हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुरसेवक है और मैं 2013 से डायरेक्सेल के साथ एसोसिएट हुआ हूँ। आज मैं आपके साथ अपना इन्हीं 7 साल के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ जो मैंने डायरेक्सेल के अंदर लिया। जब मैं 2013 में डायरेक्सेल में असोट के साथ एसोसिएट हुआ था, तब मैंने बहुत सारी बातें सुनी। लोग बोलते थे ऐसी कंपनीज बहुत आती हैं, जो आती हैं पैसा लेके चली जाती हैं, इनमें तुम अपने कैरियर को नहीं बना सकते, ये तो सिर्फ एक मनी रोटेशन स्कीम के तहत काम करती हैं, या फिर लोगों ने बताया कि इनके पास तो कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मुझे उस टाइम सुनने को मिली, बट हमने इन बातों को इग्नोर किया और काम करना स्टार्ट किया। जब हमने इसके अंदर काम करना स्टार्ट किया, हमें ग्रोथ मिलना स्टार्ट हुई, तो तब लोगों ने कुछ और बातें बोलना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने बोला इसमें तो जो स्टार्टिंग में आता है वो पैसा कमाता है, तुम्हारा तो लक अच्छा था इसलिए चल गया, तुमने तो कमा लिया, बट जो नए लोग आएंगे वो किस तरीके से कमाएंगे। धीरे धीरे नए लोग भी आए, उन लोगों ने भी कमाना स्टार्ट किया, तब जो लोगों की वर्डिंग्स थी वो और चेंज होना स्टार्टअप होगी। उनके पास तो नेटवर्क था इसलिए वो लोग इसके अंदर सक्सेस हो गए, उनके अंदर स्किल्स थी, उनके अंदर टैलेंट था, या वो तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो तो सिटी से बिलोंग करते थे, मैं तो विलेज से बिलोंग करता हूँ। ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के माइंडसेट हमारे सामने आना स्टार्टअप हुआ। इसी दौरान बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शिफ्ट होना स्टार्टअप हुए, तब लोगों ने एक और बात बोलना स्टार्ट किया कि ऐसी कंपनीज ज्यादा देर तक नहीं चलती, अब तो देखो लोग छोड़ के जाना स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसी सारी बातें सुनते हुए मुझे लगभग 7 साल हो चुके हैं, एंड इन्हीं 7 साल के अंदर हमने हजारों बार ऐसी बातों को फेस किया है। अगर हम आज के टाइम पे भी देखते हैं तो बातें आज भी वैसी की वैसी हैं। 7 साल के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हुई, हमने हमारी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज किया, हमने पैसा कमाया, हमने अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाया, असोट ने भी अपने अंदर बहुत सारी चीजों को अपग्रेड किया, बहुत सारी चीजें बदली हैं, बट एक चीज आज भी नहीं बदली, वो क्या है? लोगों का देखने का नजरिया। अभी नजरिया दो प्रकार से होता है, जो इंसान किसी चीज को समझते हैं, किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, वो उसको उस तरीके से देखते हैं। जो किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, जिनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है या वो प्रॉपर जानकारी नहीं लेते, वो उस चीज को उस तरीके से देखते हैं। अगर हम इसको और बेटर तरीके से समझने की ट्राई करते तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी भी हमारी लाइफ के दो सिक्के हैं, इनके अलग अलग पहलू हैं। डिपेंड हमारे पे करता है कि हम किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बोला जाता है कि जैसा हम होते हैं वैसे ही हमें चीजें दिखाई देती हैं। जिन लोगों ने असोट को अच्छे तरीके से समझा, जिन लोगों ने असोट के विजन्स को देखा, बिकॉज एक चीज को हम देखते हैं कि जब 2011 में असोट ने अपने आप को स्टार्टअप किया था, तो तब के टाइम पे असोट के पास कुछ ज्यादा नहीं था। उसने एक ब्रांड के साथ अपने आप को मार्केट के अंदर स्टेबल करने की ट्राई की। धीरे धीरे असोट ने अपनी कैटेगरीज को बढ़ाना स्टार्ट किया, अपने 7 इनहाउस ब्रांड बनाए, एथनिक वेयर को लेके आए, अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, एबीजी को लॉन्च किया, फिटनेस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, इसके अलावा शूज को लॉन्च किया। धीरे धीरे करते करते इन्होंने अपने इनहाउस प्रोडक्ट्स को भी बनाया। बढ़ते 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 जैसे 2020 आया, तो 2020 आते आते असोट ने अपने आप को एक स्टेप और आगे बढ़ाया, इन्होंने डायरेक्ट सेल के अंदर को कॉमर्स को लॉन्च किया। अभी हमारे पास या कोई भी इंसान जो असोट के साथ एसोसिएट है या असोट के साथ एसोसिएट होना चाहता है, उसके पास अर्निंग करने के 3 ऑप्शंस आ गए। पहला, वो सेलर पार्टनर बन के काम कर सकता है। दूसरा, वो वीडियो इन्फ्लुएंसर बन के काम कर सकता है। तीसरा, वो वेंडर पार्टनर बन के काम कर सकता है। अगर हम इन तीनों को अलग अलग प्रकार से देखते हैं, तो अगर आप सेलिंग स्किल है, अगर आप बेच सकते हैं, तो आप सेलर पार्टनर बन सकते हैं। अगर आप अपने कंटेंट से लोगों को इंस्पायर करके पैसा कमाना चाहते हैं, आप वीडियो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अगर आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट है जिसको आप स्टेबल करना चाहते हैं, तो आप उसको असोट के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। कोकमर्स के आने के बाद हमारे पास बहुत सारी चीजें नई आ गई, जिसकी वजह से हम हमारे बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बातें सिर्फ कोकमर्स तक नहीं थी, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में हमारे पास आने वाली हैं। मैंने पहले बताया कि बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, असोट के अंदर बहुत सारे अपग्रेडेशन आए हैं, बहुत सारे बदलाव किए हैं, बट एक चीज आज भी कॉमन है, बोले जाने वाली बातें वही इन एक्टिविटीज। ऐसी कंपनीज ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी, लोग छोड़ के जा रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें जो मैं यहाँ पे कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, बट ये चीजें कॉमन है, ये चीजें हमेशा
हम लोगों के सामने रहेंगी। जिन लोगों ने 2011 में स्टार्ट किया उन लोगों के सामने भी ये सारी की सारी बातें थी, जो इंसान 2020 में स्टार्ट करने वाला है उनके सामने भी ये सारी की सारी बातें हैं। अगर कोई इंसान 2-3-4 साल काम करने के बाद छोड़ के जा रहा है तो आज भी असॉर्ट के अंदर पिछले 7 साल 8 साल 9 साल से जो काम करें वो लोग आज भी असॉर्ट के साथ जुड़े हुए। डिपेंड हर एक इंसान की सोच पे करता है कि कौन इंसान कहां पे और किस तरीके से काम करना चाहता है। जितने भी इंसान मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं या जितने भी लोग आज के टाइम पे असॉर्ट के साथ एसोसिएट होने के बारे में सोच रहे हैं या असॉर्ट के साथ एसोसिएट है, मैं उनको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी हमारी लाइफ का पार्ट है। जिस चीज पे फोकस करोगे आपको वैसी चीजें ही आपके सामने मिलने वाली है। इसलिए ज्यादा फोकस उन चीजों पर करिए जिनको आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। अगर आपके पास गोल है, अगर आपके पास सपने हैं, अगर आपके पास टारगेट्स हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी आपके सामने हमेशा रहेगी। गोल्स पे फोकस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू।